शास्त्रों में माना गया है कि 9 ग्रहों का संबंध व्यक्ति की राइटिंग स्टाइल और सिग्नेचर से भी होता है, और इसीलिए अगर आपको 9 ग्रहों की कृपा चाहिए तो आपको अपने सिग्नेचर में थोड़े से चेंजेस करने होंगे जिससे आपके ग्रहों के लिए आपको शुभ फल मिल पाए। अपने सिग्नेचर में क्या बदलाव करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि जिन लोगों के सिग्नेचर नीट और क्लीन होते हैं, ऐसे लोगों पर कौन सा ग्रह प्रभाव डालता है और ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, बताइए पंडित जी। नीट एंड क्लीन सिग्नेचर क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब बुध ग्रह, बुधे न बुद्धि सदनर से संस्था। बुध जो है पूजा बुद्धि का कारक ग्रह है जी। अगर किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति संपादक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की सर्वत्र प्रशंसा होती है। और बुध अगर कन्या या मिथुन राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति संगीत का बहुत अच्छा मर्मज्ञ हो सकता है, ठीक है। और बुध अगर सूर्य के साथ शुभ स्थिति में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्योतिषी होता है, ऐसा व्यक्ति निःसंदेह रूप से किसी बड़े राज्य पद पर आसीन होता है। तो इसको बुधादित्य योग कहते हैं। तो बुध ग्रह लेखन क्षमता को, तर्क शक्ति को, ज्ञान को और लेखन के कारक को अपना मतलब कि प्रतिनिधित्व देता है। जो लोग अस्पष्ट, गोलाकार और बिंदु के रूप में हस्ताक्षर करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ होता है, जिसके प्रभाव से ऐसे लोग अच्छे चिंतक, विचारक, लेखक और संपादक बनते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग बुध के प्रभाव से परोपकारी होते हैं। इनके जीवन में आदर्श और लक्ष्य जरूर होता है। इनको प्राप्त करने भी में भी ये लोग सफल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है या बुध अस्त है या बुध पापक ग्रहों से विद्ध है तो ये सारी चीज़ें उलट जाती हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जो याद करता है वो भूल जाता है, ऐसा व्यक्ति हकलाता है, तुतराता है, ऐसा व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को बोल नहीं पाता है। उसको सब्जेक्ट तो सब मालूम होते हैं लेकिन अगर उसे किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना हो, अपना अपना बात कहना हो तो वो हिचकिचा करके और आधे पर ही अटक जाएगा। ऐसे जो भी लोग हों उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो समस्या बताने के लिए नहीं, मैं नहीं बैठा हूँ, समस्या का समाधान बताने के लिए भी बैठा हूँ। अगर बच्चा हकलाता है, अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर बच्चा पढ़ता है और भूल जाता है, अगर ये सब गुण बच्चे में हैं, अब बड़े तो जो हो गए, उनको पकी हुई हाँड़ी को मैं सीधा नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चे अभी 10 साल के नीचे की अवस्था के हैं उनको ठीक किया जा सकता है। उनको आप एक मंत्र सिखाइए, ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः। ये मंत्र जो है भगवान राम का तारक मंत्र है, और ये तारक मंत्र जिस बालक को भी 108 बार रोज सुबह शाम करवा दिया जाए, उस बालक के अंदर बुध ग्रह की शुभ क्षमता 6 महीने के अंदर शुरू हो जाती है, और उस बालक के सारे नकारात्मक प्रभाव बुध के वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे बालकों को जब तक शिक्षा के क्षेत्र में रहें तब तक ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। अगर आपका बच्चा तुतलाता है, हकलाता है या अपनी बात का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से नहीं दे पाता है, अपने बात को बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाता है, तो पक्का मानिएगा कि बुध ग्रह खराब होगा और बुध और बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं होगी।
क्योंकि बुध और बृहस्पति का मेलापक तो प्रगल्भ योग बनाता है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि बुध पर हो तब भी प्रगल्भ योग बनता है, लेकिन अगर बुध और बृहस्पति छठे आठवें हो जाएं, तो निश्चित रूप से बाणी की जो धार होती है वो कुंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। इस मंत्र को बच्चे से कहो कि पूरब मुंह करके राम दरबार के चित्र के सामने बैठकर 108 बार दोनों अपने हाथ जोड़ करके और ये मंत्र कहे, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।